सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, गुरु गरीब निवास, गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवा, बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवा, जिन मानस ते देवत किए करत न लगी वा, जे सौ चंदा उगवे, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजा, इते चानन होंदे आ इते चानन होंदे आ, गुरबिन को अंधा, ऐसे आगुरा तो मैं, ऐसे आगुरा तो मैं वल वल जा, ऐसे आगुरा तो मैं वल वल जा, ऐसे आगुरा तो मैं वल जा, बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा जी मैं, बल बल जावा, 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 बल बल जावा।
बल बल ऐसे आगुरा तो मैं बलिहारी गोरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लगी बाहु सौ चंदा उड़वे सूरज चढ़ जा ए चानण होंदिया ए चानण होंदिया गुरबिन कोर लख चढ़न चंदर में जी लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़ने हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़ने हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़ने हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा लख चढ़न चंदर में जी पावे सूरज चढ़न हजारा बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार जे सब चंदा उगवे
सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदिया गुरु बिन कोर अंधार। परम सत्कार्यो गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु खालसा सत्संग जीओ रसना पवित्र करो गुरु कलगी तार सच्चे पातशाह दी बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ बुलंद आवाज विच सारे गजवाज के आखो जी द्वारा ना कहना पवे सारे ही गजवाज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़े फतेह तो वांझे रह गए ने एक बारी फिर फतेह दा जकारा फतेह विच देओ सारी संगत गजवाज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। वड़पागी सत संगत पावे भाग हीन बिन भागा सत संगत लभे बिन संगत मैल जिन्हां दे बहुते तम कर हुंदे ने तो भाग हुंदे ने ओ चल के संगत विच आउंदे ने जिन्हां दे तम कर्म उतो भाग नहीं हुंदे ओ इधर उधर चोटा खांदे फिरदे ने भड़कदे फिरदे ने। इस तरह तन तन बाबा नाथ सिंह महाराज कलेरां वाले ने देखो महापुरखां ने किन्नी कलड़ा काली किन्ना नाम जपया वेखो गुरमुखो ताई ता जय जयकारा हुंदियां ने ए शरीर दी वड़ियाई नहीं ए नाम दी वड़ियाई है गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु ए शरीर दी वड़ियाई नहीं ए नाम दी वड़ियाई है वेखो महापुरखां दियां जय जयकारा हुंदियां ने जय जयकार नांदी होवे नाम जपया ताई जय जयकार हुंदियां ने जय जयकार नांदी होवे जिन्हां ने कमाईयां कीतियां जय जयकार नांदी होवे जिन्हां ने कमाईयां कीतियां जय जयकार नांदी होवे जिन्हां ने कमाईयां कीतियां सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब दी धरती नूं भाग ला रहे ने
आनंदपुर साहिब वस गया सरसा दे कंडे जिथे गतका खेडन सूर में हाथ फड़ के महाराज जी आनंदपुर साहिब नू आनंदपुर साहिब दी धरती नू भाग ला रहे ने। दूर दराडे तो संगत महाराज जी दे दर्शन करन लई आउंदियां हर रोज महाराज जी संगतां नू दर्शन दिंदे रोज गुरु साहिब दी व्याख्या करदे ते असां दी वार दा कीर्तन करदे। एक दिन की होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गद्दी ते विराजमान ने संगतां बैठियां सी ते संगतां सोच रहियां ने कि अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरु शब्द की व्याख्या नहीं करते। सोच रही ने संगतां कि महाराज जी अज गुरु शब्द की व्याख्या नहीं करते। जानी जान सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप ही संगतां नूं कह दिता कि संगत जी तुसीं सोच रहे हो कि अज गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु शब्द की व्याख्या नहीं करते। उस तरह कि अज तुहानूं असीं कुछ दिखाउणा है कुछ समझाउणा है। महाराज जी ने सेवादारां नूं कहा कि भाई इक जल दी बाल्टी भर के लैके आओ। पानी दी बाल्टी जल दी बाल्टी भर के लैके आओ। सेवादार जल दी बाल्टी भर के लैके आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे हाथ विच इक छोटा जिहा पत्थर महाराज जी उस पत्थर नूं कदे खब्बे पासे कर लैंदे ने कदे सज्जे पासे कर लैंदे ने कदे खब्बे कदे सज्जे। महाराज जी ने ओ पत्थर अपने हथों छड़ दिता। पत्थर जाके पानी विच डुब गया। खुशकना महाराज जी ने पत्थर अपने हथों छड़ दिता ते ओ पत्थर पानी दी बाल्टी विच जाके डुब गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी संगतां नूं कहण लगे संगत जी वेखो ता पत्थर डुब गया कई मेरे वर्ग उठ के देखदे ने कि किते कोई गुरु कलगी ता सच्चे पातशाह महाराज जी दा किते कोई चमत्कार ही ना होवे कोई करिश्मा ही ना होवे। महाराज जी संगतां नूं कहण लगे संगत जी पत्थर डुब गया। संगत कहण लगी महाराज जी पत्थर तो डुबदा ही डुबदा है एदा सुभा ही डुबना जो एदा सुभा ही डुबना है तो डुबेगा ही डुबेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह लगे संगत जी पत्थर क्यों डुब गया। गज के आखो सतना पत्थर क्यों डुब गया। भाई नंद लाल जी महाराज जी के पलगे ते शीस लाई बैठे ने पलगे ते शीस लाई बैठे ने चरणा विच बैठे ने पलगे ते शीस लाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भाई नंद लाल जी ने पुछदे ने भाई नंद लाल जी दसो ता पत्थर क्यों डुब गया भाई नंद लाल जी उच्ची उच्ची हुब्बा मार के रोंदे ने जो भाई नंद लाल सी ना औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच सोने दी कुर्सी ते बैठिया करदे सन। गज के आखो सतनाम सोने दी कुर्सी ते बैठिया करदे सन। वेखो सोने दी कुर्सी ते बैठिया करदे सन। बहुत वड्डे विद्वान सन कविया विचों कवि सन भाई नंद लाल जी। अज औरंगजेब बादशाह दा दरबार छड के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार विच संगतां दे झूठे पांडे माज रहे ने। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। औरंगजेब बादशाह दा दरबार छड के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार विच संगतां दे झूठे पांडे माज रहे ने। भाई नंद लाल जी दे नाल दे साथी आके पुछदे ने भाई नंद लाल आ की तू औरंगजेब बादशाह दा दरबार छड के सोने दी कुर्सी ते सोने दी कुर्सी छड के इत्थे रात विच बैठ के इत्थे तू झूठे पांडे मांज रहे ऐ की। भाई नंद लाल जी कह लगे
औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच सोने दी कुर्सी ते बैठ के इन्ना आनंद नहीं आया जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार विच संगतां दे जूठे भांडे मांजण दा आनंद आ रिहा। खो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहिंदे औरंगजेब बादशाह दे दरबार विच सोने दी कुर्सी ते बैठ के इन्ना आनंद नहीं आया जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार विच जूठे भांडे मांजण दा आनंद आ रिहा। भाई नदरा जी नाले संगतां दे जूठे भांडे मांज रहे ने, मुखो की बोलदे ने। नंद लाल भांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जप सज लाल। नंद लाल भांडे मांजदा नंद लाल भांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जप लाल। नंद लाल भांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जप लाल। लाल चांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। नंद लाल पांडे 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 नंद लाल पांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। नंद लाल पांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। गोबिंद गोबिंद जपदा 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 गोबिंद 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 जपदा गोबिंद गोबिंद जपदा गोबिंद गोबिंद जपदा गोबिंद गोबिंद लाल पांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। नंद लाल पांडे मांजदा नंद लाल पांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। गोबिंद गोबिंद जपदा नंद लाल पांडे मांजदा लाल गोबिंद गोबिंद जपदा। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੋ ਜਪਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ 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 ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਖੂ ਸਤਨਾਮ। महाराज जी ये पानी की बाल्टी की है, एनू ता नदी समुंदर जा दरिया इस छोटे जे पत्थर नू नदी समुंदर जा दरिया डोब नहीं सी सकदा, ए ता थोड़े हथों निकल गया ता डूब गया। देखो भाई नंद लाल जी कह लगे, महाराज जी जो भी मनुख जा जीव आप जी दे हथों निकल जांदा है ओ डूबदा ही डूबदा है। गज के आखो सतनाम।
जेड़ा भी सिख या मनुख आग जी के हथों निकल जाता है वो डुबदा ही डुबदा है। महाराज जी नु अरदास करया करो ते कहो सानू रख लई बाजा रख लई बाजा सानू रख लई बाजा वाले रख लई बाजा सानू रख लई बाजा वाले रख लई बाजा सानू रख लई बाजा वाले रख लई बाजा वाले कविता लिखी है मेरे मन का बैराग है कि मैं उसनू गावा सारे नाल दी ना बोलियो कोई रचना वांझी ना रवे किथे माता तोरिया
अजीत ते जुजार नू वेड़े दिया रौनिका ते मैला दी बहार नू वेड़े दिया रौनिका ते मैला दी बहार नू जिना दिया जाई जाई सोहणियां सजाउणियां सिरियां दे विच है सी गुंदड़ा प्यार नू किथे मंता तोरिया बोलो अजीत ते जुगार नू किथे मंता तोरिया पिता दशमेश जता जाई जाई आउणगे अज कित्थों हाथ मारा इन्हां नूं बुलाउणगे अज कित्थों हाथ बुलाउणगे किवें ठंड पउस सती सरकार नू किथे माता तोरिया अजीत ते जुजार नू किथे माता तोरिया अजीत ते पुत्रां दे दुख ते विछोड़े चले जानना पुत्रां तो बिना चंगा लगदा जहान ना पुत्रां तो बिना चंगा लगदा जहान ना नूरपुरी पुछ के तू देख संसार किते माता तोरिया अजीत ते जुजार नू किते माता तोरिया अजीत ते जुजार नू और सब जी गाना पढ़ के आपा समाप्ति कर दिए जन्मा जन्मा दे विछोड़े पेंदे आए ने हुन ना विछोड़ी मालिका जन्मा जन्मा दे विछोड़े पेंदे आए ने हुन ना विछोड़ी छोड़ी मालका जन्म जन्म दे विछोड़े पैंदे आए ने हुन ना विछोड़ी मालका।
सत्संग जी इतनी सेवा प्रवान होइया पला चुका दिखी मैं सारे प्रबंधक का सेवादार धन्यवाद आप समूह संग दा मेरी पीरी दे मालिक महापुरखा ने कहा कि 15 मिनट हो ला दो मैं क्या ठीक है जी 7 बजे 15 मिनट तक अपन ने सुबावती कर देनी है मेरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने सिखा नु कहने लगे कि सानू भाई जपजी साहब का पाठ सुनाओ जपजी साहब का पाठ सुनाओ कोई ना उठिया उन्हां विचों भाई गोपाला जी उठे भाई गोपाला जी उठे ते कहने लगे सतगुरु जी अपनी कृपा दृष्टि करके सतो जाओ जी साहब दा पाठ सुनो रखो सतना अपनी कृपा दृष्टि करके मेहर करके सतो जाओ जी साहब दा पाठ सुनो महाराज जी कहने लगे भाई अच्छा सुनाओ जो भाई गोपाला जी ने जपजी साहब का पाठ रंभ किया तो मुखो की बोलते ने आज साची वाहेगुरु आज साची वाहेगुरु आज सच वाहेगुरु आज साची आज साची वाहेगुरु जुगाद साची वाहेगुरु हैप्पी साची वाहेगुरु हैप्पी साची वाहेगुरु हैप्पी साची साची वाहेगुरु नाथ खोसी की साची वाहेगुरु नाथ खोसी की साची वाहेगुरु नाथ खोसी की साची नाथ खोसी की साची वाहेगुरु नाथ खोसी की साची वाहेगुरु जी ने जपजी साहब का पाठ रब किया तो मेरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने सुगासन तो अपना सुगासन छड़दे जांदे ने गुरमुखो ऐसा माया वाला जाल पिया ऐसा माया वाला जाल पिया के भाई गोपाला जी का ध्यान सतगुरु जी दे घोड़े ते चला गया गज के आखो सतनाम ऐसा माया वाला जाल पे है कि भाई गोपाला जी का ध्यान जड़ा है सतगुरु जी दे घोड़े ते चला गया भाई गोपाला जी मन में सोचते ने कि जे किते सतगुरु जी मैनू अपना घोड़ा ही दे दान तो कितना चंगा होगा कितना वधिया होगा जे सतगुरु जी मैनू अपना घोड़ा ही दे दे मेरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह फिर सिंघासन ते बैठ गए जो जपजी साहब दे पाठ की संपूर्णता हुई तमीरी पीरी दे मालिक श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने सिख पासों सड़े काठी घोड़ा मंगवाया सड़े काठी घोड़ा मंगवाया ते भाई गोपाला जी नूं कहा गोपालिया जे तू अज अपना ध्यान तू साडे घोड़े ते ना ले जांदा ना तेनु असी गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारस बना देना सी आखो सतनाम जे तू अज अपना ध्यान साडे घोड़े ते नाल जांदा तेनु असी
गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारस बना देना सी। वाह देखो किड्डी वड्डी गल कही, गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारस बना देना सी। गुरमुखो सतगुरु तो इन्ने दयालु हुंदे ने, पुत्रां दी की गल, गड्डियां मोटरां दी की गल, पैसियां दी की गल। महाराज जी ने तो अपने उत्ते सारा कुछ नूं साबर कर दिता, बस यही गल कहिंदे ने। राम जपो राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो राम जपो राम जपो जी राम जपो राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो राम जपो राम जपो जी ऐसे ऐसे तू पहला जपो हरि जैसे तू पहला जपो हरि जैसे राम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपे ओ हर जैसे जिवे ध्रुव और प्रहलाद ने जपया सी। महापुरख श्रीमान संत महाराज संत अजीत सिंह जी नथमल परवाले ओही गल कहा करदे सी कि भाई साऊ नाम जपया कर, जेड़ा भी आंदा सी ता महापुरखा नूं बेनती करनी कि बाबा जी साडा आ कम लोट कर दे, साडा कम ठीक कर दे। महापुरखा ने यही गल कहनी कि भाई नाम जपो आखो सतनाम श्री वाहे राम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद। महापुरखा दी बीबी महापुरखा दी बड़ी श्रद्धालु सी, रोज महापुरखा कोल आना महापुरखा दे बचन कमाने उन्हां दे सामने गवांडी रहंदे सी, उन्हां दे घर बड़ा कलेश रहंदा सी। ओ बीबी अपनी गवांडन नूं कहण लगी, चल बीबी मैं तैनूं नथमल परवाले संता कोल लै चलदी आं, खबरे तुहाडा कलेश है जिहड़ा ओह दूर कर देण, कृपा कर देण। ओ बीबी कहण लगी कि बाबिआं कोल बाबे बड़ेवे दिंदे ने, मैं मूंह नहीं मंगदी बाबिआं बूबिआं नूं। बीबी कहन लगी, बीबी तू ऐवे ना बोल, ओता रब ने रब आखो सतनाम, ओता रब ने रब। ओ बीबी तल करके उस बीबी नु महापुरखा कोल लै आई। बाबा जी संगतां नु
ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੜੇ ਵੇ ਆਖੋ ਸਤਕਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬੀਬੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਵੇੜਾ ਕਰ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਕਰ ਦੋ ਵੇੜਾ ਕਰ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਪਾਪਣ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਪਾਪਣ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬੀਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜੇਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹੂ ਤਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵੜੇਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ, ਤਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵੜੇਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰਾ, ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਲਾ ਵਜਿਆ, ਕੀਲਾ ਵਜਿਆ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਲਹੂ ਵਗਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਲਾ ਵਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹੂ ਕੀ ਕੀਲਾ ਵਜਿਆ, ਉਹ ਕੀਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ, ਕੀਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਾਲੇ।
इतनी सेवा प्रवान होन्या पला चुका निखे मैं सारे प्रबंध का सेवादार धन्यवाद आसमू संघ का धन्यवाद श्री मान संत बाबा बलदेव सिंह जी उन्हां दा भी धन्यवाद पठानकोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्हां ने सानू नमाणिया नु मान बख्शिया ओ अनेक सेवा परवार हुइयां भुलां चुकां दी खिमा सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु आप सरवण कर रहे सी संत बाबा परमप्रीत सिंह जी खालसा नथमलपुर वाले जो ये मरिंडे च पैंदा है।